हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए गिरावट के टाइम पर वैल्यू शेयर्स मिलते हैं सस्ते में। अब आप कहोगे कैसे वैल्यू शेयर, जो टॉप क्वालिटी के शेयर है यानी कि लार्ज कैप सेक्टर के बढ़िया बढ़िया शेयर्स भी आपको सस्ते में मिलने लग जाते हैं। तो अपनी नजरें उन शेयर से हटाइए मत, क्योंकि वो शेयर आपको बहुत ही सस्ते में मिलेंगे। कोरोना वायरस का अटैक जो चल रहा है उसके चक्कर में बढ़िया बढ़िया शेयर्स भी आपको सस्ते में मिलेंगे। आप देखें उन शेयर्स को, जांचे परखें, जांचे परखे हुए तो शेयर ऑलरेडी होते हैं, वो बार्गेन बाइंग देखने को मिलती है। जरा देखते हैं इन बड़े बड़े शेयर्स को इस छोटे से वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। इस लिस्ट को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे रिलायंस, TCS, HDFC बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, HDFC, ICICI बैंक, ये बड़े बड़े शेयर्स भी आपको सस्ते में मिल रही है। टॉप के शेयर्स हैं इंडियन शेयर मार्केट के। अब इन शेयर को आप देखिए और समझिए। स्टार्ट करता हूं मैं HDFC बैंक से। HDFC बैंक क्वालिटी शेयर है, हर कोई जानता है, लेकिन अगर आप इसके बाइंग लेवल्स को देखोगे तब आप कहोगे अरे वाह, ये तो बाइंग लेवल के पास आ गया है और वो भी गिरावट के टाइम पे ही आया, वैसे तो आता नहीं है। और इस शेयर को टेक्निकल लेवल पे देखिए, ये आपका डेली चार्ट है HDFC बैंक का। स्टॉक ने पीक बनाया था ऑलमोस्ट 1300 के लेवल पे, उसके बाद स्टॉक में करेक्शन आया है। अक्सर मैंने देखा है ये स्टॉक जब भी अपने 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास होता है तो बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी शेयर में खरीदारी की होती है। देख लीजिए आप पुरानी हिस्ट्री उठा के, और ये स्टॉक अभी के टाइम फ्रेम पे उसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। और आज की डेट में गैप काफ़ी नीचे लो बनाया इसने ऑलमोस्ट 1200 के लेवल का, और फिर से वापस इस रेंज में आ चुका है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये स्टॉक आपको पिछला सपोर्ट लेवल 1177 से लेके ये 1200 का जो ये रेंज है 20-30 रुपये का, इसके लिए बहुत ही बढ़िया बाय है। लेकिन अगर मार्केट में गिरावट कंटिन्यू रहती है और शेयर नीचे ये 1150 के लेवल के आसपास जाता तो आपके लिए और भी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। तो देखिए आप, ये मौके बहुत कम आते हैं, मतलब साल में 2-3 मौके ही ऐसे आ पाते हैं। देखिए 2019 में ये मौका आया था जनवरी में, फिर ये मौका आया था सितंबर में, और 2020 में ये मौका फिर से आ चुका है आपके सामने। और ऐसे मौके बहुत कम आते हैं मैं कहूंगा बड़े शेयर्स में। अगले स्टॉक की तरफ चलते हैं जो हमारे पास है ICICI बैंक लिमिटेड। ICICI बैंक लिमिटेड बहुत टाइम से बिल्कुल पीक पे चल रहा है, लेकिन यहाँ पे अभी के टाइम पे मैं देखूँ यहाँ पे शेयर में बड़ी करेक्शन आई थी, क्योंकि इस शेयर में बहुत ही जबरदस्त जंप देखने को मिला था पिछले कुछ टाइम में। अब इस शेयर में करेक्शन जरूर देखने को मिली है, लेकिन अभी मुझे लगता है अगर शेयर थोड़ा और करेक्ट हो और यहाँ 500 के लेवल के आसपास आपको देखने को मिले तो एक बार्गेन बाई होगी, क्योंकि ये स्टॉक अपने पीक पे जाने की कोशिश कर रहा था 550 के लेवल पे, वहाँ से नीचे। अब देखिए मार्केट ग्लोबल कंडीशंस ऐसी, क्योंकि स्टॉक में बुराई किसी में नहीं है, लेकिन ग्लोबल कंडीशंस की वजह से शेयर जो है नीचे धकेले जा रहे हैं, तो ये आपके लिए बढ़िया बाइंग। ज़्यादा नीचे तो नहीं आ सकता, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा 520 से लेके 500 की रेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है ICICI बैंक के शेयर के लिए। अगले शेयर की तरफ चलते हैं जो हमारे पास है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। बजाज फाइनेंस में इतनी बड़ी गिरावट नहीं देखने को मिली, लेकिन फिर भी ये स्टॉक आपको सस्ते में मिल सकता है अगर इसी तरीके से चलता रहा मार्केट का कंडीशन तो। दो इन स्टॉक्स पे, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया शेयर है, इन स्टॉक्स पर अपनी नज़रें बनाए रखिए, क्योंकि ये स्टॉक आपको सस्ते में मिल सकते हैं। बजाज फाइनेंस जो कि आपको अगर इसके रिटर्न को देख लोगे तो आपको कहोगे अरे वाह, ये शेयर मुझे कब गिरावट में मिले, और ये गिरावट जो है आपके सामने, आपके नज़रों के सामने आ रही है। इन गिरावट का, इन करेक्शंस का फायदा जरूर उठाए। जरा देखते हैं बजाज फाइनेंस के डेली स्टॉक, डेली चार्ट को देखिए। बजाज फाइनेंस ये डेली चार्ट की अभी मैं बात करूं, अभी मैं ओवरऑल देखिए इस स्टॉक में भी करेक्शन देखने को मिल रहा है। आज की डेट में जब पूरी मार्केट में करेक्शन था तो यहां पे भी देखने को मिल रहा है। डेली चार्ट में एक बियरिस काइंड ऑफ जो मुझे गिरावट देखने को मिल रही है, एक बियरिश जॉइंट में इसको कहूंगा। उसके बाद स्टॉक का अगर 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखा जाए तो ये 4400 के लेवल पे है, और पिछले कुछ टाइम से आप देखिए ये 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के लिए काफ़ी काफ़ी स्ट्रांग जो है सपोर्ट का काम कर रही है, क्योंकि स्टॉक काफ़ी तेज स्पीड से ऊपर भाग रहा है, तो 200 डे मूविंग एवरेज के पास आना तो थोड़ा टफ होगा, बट 4400 के लेवल पे आना थोड़ा सा इजी होगा। अगर करेक्शन होते हुए शेयर इस लेवल तक आता तो एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी यहाँ पे भी देखने को मिल सकती है। अगले स्टॉक की तरफ चलते हैं जो हमारे पास है बजाज फाइनेंस के बाद HDFC। HDFC में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है भाई। HDFC के शेयर को देखिए, हाउसिंग फाइनेंस की दुनिया का जबरदस्त प्लेयर, लेकिन यहाँ पे मिल रहा है काफ़ी सस्ते में। थोड़ा सा और गिरावट एक्सपेक्टेशन आपकी होगी, देखिए 2292 के आसपास का प्राइस यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और अगर ओवरऑल में देखूँ जो क्लोजिंग थी ये 2292, उसके बाद प्राइस जो है वो 2300 के आसपास सेटलमेंट के बाद देखने को मिल रहा है। स्टॉक में 60% की डिलीवरी देखने को मिल रही है, सेलिंग बहुत है, 2-3% सेलिंग आज इसमें भी हुई है, गिरावट देखने को मिल रही है। देखते हैं HDFC के शेयर का प्राइस।
तो इन प्राइस लेवल्स को अपनी नजरों में डाल लीजिए भाई, ये शेयर्स आपको इतने सस्ते कभी मिलते नहीं है, क्योंकि एचडीएफसी का प्राइस भी मैं देख पा रहा हूँ काफी करेक्शन के बाद नीचे आता जा रहा है, और 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज यानी कि 2200 की ये लाइन है। अभी स्टॉक 2300 पे ट्रेड कर रहा है, तो 2200 की लाइन काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है स्टॉक के लिए। जैसा कि आपने देखा था स्टॉक लास्ट टाइम पे भी 200 डे मूविंग एवरेज से हल्का सा नीचे स्पिल ओवर जरूर हुआ था, लेकिन अभी भी मैं कहूंगा कि 2150 से 2200 की ये लाइन जो है, 2200 नहीं इनफैक्ट 2250 तक की ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट इसके लिए सपोर्ट रहने वाला है। और 1 फरवरी को जब गिरावट आई थी तब भी शेयर इसी लेवल तक गया था, तो आपके लिए मौका जरूर है इन्वेस्टमेंट का। जरा देखें ये रेंज को याद रख लीजिए, बड़े स्टॉक ज्यादा करेक्शन इनमें अगर होती है तो इन लेवल्स पे आके इनको स्ट्रांग सपोर्ट मिलता है, क्योंकि भाई हर कोई इंतजार कर रहा होता है इन स्टॉक को इन लेवल्स पे आने का। जैसे ही सबका इंतजार पूरा होता है हैवी बाइंग होती है इनमें हैवी, आप देख लीजिए पुराने डाटा को, जैसे ही स्टॉक नीचे आते हैं और ये देखिए जबरदस्त तरीके से खरीदारी होती है, और 200 डे मूविंग एवरेज 2150 से लेके 2250 की रेंज इस स्टॉक के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगले स्टॉक की तरफ चलते हैं जो हमारे पास है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। जरा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड हर कोई जानता है भाई, ये कंपनी इंडिया के स्टॉक मार्केट की सबसे टॉप की कंपनी है, लेकिन जब खरीदारी की बात आती है तो हर बार ये शेयर काफ़ी ऊपर दिखता है। अब खरीदारी कहाँ से करें, किस प्राइस पे करें, कब गिरावट आए, हर कोई इंतज़ार करता है, लेकिन जब गिरावट आती है तो हर कोई डर के साइड हो जाता है। तो उस गिरावट को देखिए, उस गिरावट को समझिए, पुराने डेटा पे नज़र डालिए, और अगर मैं यहाँ पे देखूँ पुराने डेटा पे तो इस स्टॉक के लिए भी 200 डे मूविंग एवरेज जो सिंपल मूविंग एवरेज है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। 1 फरवरी की गिरावट स्टॉक को इस लेवल पे लेके आई थी, बहुत ही बढ़िया ये लेवल है, और उसके बाद स्टॉक ऊपर गया फिर से नीचे आ रहा, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं 1350 से लेके और थोड़ा सा, क्योंकि लास्ट टाइम पे अगर मैं स्पिल ओवर देखूं तो ये स्टॉक देखिए 1230 से लेके ऑलमोस्ट 1100 के लेवल यानी कि 130 रुपये नीचे तक गया था। तो यहाँ पे आपको भी स्टॉक को देखना है, यहाँ पे 1370 जरूर है, लेकिन यहाँ पे 1250 के आसपास मैं कहूँगा इस रेंज में भी ये स्टॉक थोड़ा नीचे जाएगा, तो इस रेंज में जब भी जाए या फिर यहाँ से बाउंस बैक ऊपर को उठते हुए आए तो वो आपको नजरें गड़ा के रखनी है। ऐसे बड़े स्टॉक इतने सस्ते में बहुत कम टाइम पे मिलते हैं, जरूर ध्यान रखें। ये ब्लू लाइन जो दिख रही है ये काफ़ी बढ़िया काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज की लाइन हम इसको कहते हैं। अगले स्टॉक की तरफ चलते हैं जो हमारे पास है रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। भाई इस स्टॉक ने तो तबाही मचा के रखी है, मतलब रुकने का नाम नहीं ले रहा। पहली बार ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर का शेयर थोड़ा सा आपके जो है रेंज में आने वाला है। देखिए अभी भी 2215 के आसपास है, रिसेंटली 2308 का हाई बनाया, 100 रुपये नीचे गिरा है, लेकिन 100 रुपये नीचे गिरा है या और भी नीचे गिर सकता है, क्या बाइंग लेवल हो सकता है उसको देखते हैं। देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर, देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर का शेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट शेयर है एफएमसीजी में, बजट के बाद इस शेयर में बड़ी उछाल आई थी, लेकिन यहाँ पे अभी जो देखूँ पिछले कुछ टाइम की जो कंसोलिडेशन थी वो बहुत हल्की थी, लेकिन इस बार इसने लोअर लो बनाया, स्टॉक में गिरावट आ रही है। लेकिन जिस तरीके से बड़ी रैली यहाँ पे 1900 के लेवल से 2300 के लेवल तक ये गया था कुछ ही टाइम में, तो मुझे लगता है कि अगर ये स्टॉक यहाँ पे स्टॉप ले, करेक्शन ले, तो ये स्टॉक का करेक्शन जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ लास्ट टाइम पे जब ये बिल्कुल बॉटम से उठा था तो पहला जंप, दूसरा जंप, तीसरे स्टॉप पे ये नीचे गिरा था, और उसी तरीके से यहाँ पे देखिए पहला जंप, दूसरा जंप और तीसरे स्टॉप से ये करेक्ट की तरफ मूव कर रहा है। अब करेक्शन की तरफ मूव कर रहा है तो ये बड़ा करेक्शन भी हो सकता है, लेकिन इतना बड़ा करेक्शन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। पुराना कंसोलिडेशन लेवल यानी कि 2117 से लेके और 2100 से 2170 के लेवल पे, यानी कि ये जो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन है ये स्ट्रांग सपोर्ट का काम कर सकती है स्टॉक के लिए, क्योंकि स्टॉक काफ़ी तेज गया है। जब काफ़ी तेज ऊपर जाता है तो जब नीचे आता है तो 20 डे ईएमए जो है वो सपोर्ट का काम नहीं करती। देखिए देखिए काफ़ी तेज गया तो गिरावट है, क्योंकि गिरावट है, ऑल्दो मैं कहूँगा कि 20 डे ईएमए सपोर्ट का काम करती, बट गिरावट ऐसी है कि स्टॉक इस लेवल तक आ सकता है। तो फिलहाल नजरें बनाए रखिए, पहला सपोर्ट रेंज इसका है 2170 से लेके 2150 से लेके ये 2200 वाला जो रेंज है, क्योंकि पहला रेजिस्टेंस अभी भी फिर से यहाँ पे सपोर्ट मिल सकता है, पुराना रेजिस्टेंस है और कुछ दिन पहले का कंसोलिडेशन है, यहाँ पे सपोर्ट मिल सकता है। अगर यहाँ से नीचे आता है तो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तैयार बैठी है, उससे नीचे अगर ये स्टॉक आपको 1900 या 2000 की रेंज में मिले फिर तो भाई बहुत ही ज़बरदस्त, क्योंकि ये रेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट रेंजेस होती हैं। यहाँ पे ओवरऑल अगर मैं बात करूँ स्टॉक की, जितने स्टॉक्स हमने डिस्कस किए यहाँ पे देखिए हर कोई एक क्वालिटी शेयर है, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फाइनेंस, और आप देखिए यहाँ पे एचडीएफसी, और उसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज, और उसके अलावा हिंदुस्तान यूनिलीवर। इन शेयर्स में नॉर्मली मौका मिलता नहीं है इन्वेस्टमेंट का, और अगर मौका मिले तो छोड़ना भी नहीं चाहिए भाई, और ऐसे मौके
गिरावट के टाइम पे ही देखने को मिलते हैं। चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ आपको जो लेवल्स यहाँ पे दिखाए गए आपको समझ में आए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।